नमस्कार जनप्रवाद की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। छात्र जीवन भविष्य के सपनों को सच करने का समय होता है। हर माता पिता को आशा होती है उनका होनहार बच्चा उनका और परिवार का नाम रोशन करेगा। ऐसे में जब छात्र लुटेरे बन जाएं तो इसे क्या कहा जा सकता है। ये वाकया बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ दंपत्ति का पर्स लूट कर भाग रहे दो छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों छात्र अपना शौक पूरा करने के लिए लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लूट में इस्तेमाल करने वाली बाइक सहित दो दंपत्ति के पर्स को बरामद किया है। धामपुर के बुद्ध विहार कॉलोनी के रहने वाले अमित वर्मा अपनी पत्नी नेहा के साथ बाजार का सामान खरीदने निकले थे। बाइक पर सवार दो छात्र कोमल और कुशाग्र महिला का पर्स छीनकर बाजार से फरार हो गए। 100 डायल को मिली सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों छात्रों को धामपुर की फूलबाग कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि कुशाग्र नाम का छात्र RBIT कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छात्र कोमल पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है। ये दोनों छात्र खर्च के लिए इस घिनौने काम को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन्हें लूट की घटनाओं के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल शाम एक पति अपनी पत्नी के साथ मार्केट में बाजार से कुछ खरीदने जा रहा था। बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से आकर उसकी पत्नी के हाथ में पर्स छीन लिया। छीनने के बाद जब ये बदमाश भागने लगे, पुलिसिया टीम ने तत्परता से कार्रवाई करी, घिरवा के इनको पास के एक पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से वो पर्स बरामद कर लिया गया, इनकी मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, सारा सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में पता लगा कि जेब खर्चे के लिए इन्होंने ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। टीम के सराहनीय काम के लिए 2500 रुपये पुरस्कार दिए गए हैं। मौके पर जो पब्लिक के लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया और इस घटना को मौके पर ही पकड़वाने की जो मदद करी है पुलिस की, उनको आने वाले 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। PM मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, बीते 5 सालों में नेताओं को जमानत लेने के लिए मजबूर किया और अब जेल भेजेंगे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है। PM मोदी ने आगे कहा कि अभी मिशेल मामा आए हैं, बाकी चाचाओं को भी लाएंगे। राजद पर हमला बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि लालू परिवार को शॉपिंग मॉल और विभिन्न संपत्ति पर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जेल में हैं, जो जेल के दरवाजे पर हैं, जो बेल पर हैं, जो बेल के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। PM बोले, 4 चरण के चुनावों के बाद ये लोग चारों खाने चित हो गए हैं। अब आने वाले चरणों में तय होना है कि उनकी हार कितनी बड़ी होगी और NDA की जीत कितनी सुनहरी होगी। अयोध्या पहुंचे बीप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मई को अयोध्या आने से पहले बड़ा बयान दिया है। चंपत राय का कहना है कि देश के लोग राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। हमने मान लिया कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। सारे काम नरेंद्र मोदी के रहते होगा। दुनिया में देश का नाम प्रधानमंत्री ने ऊंचा किया है। चंपत राय ने देशवासियों से अपील की कि 100% मतदान करें। देशवासियों को महाभारत पढ़ने की नसीहत भी दी। चंपत राय ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को दुर्योधन तक बता डाला। मोदी जी के रहते हुए होंगे, केवल सकारात्मक बात नहीं होगी, सारे काम होंगे। ज़रा धैर्य रखिए, जितने काम हो गए हैं उतनों से ही लोगों को दिक्कतें आ गई हैं। केवल एक छोटी सी बात कहने मात्र से ही कश्मीर भारत से टूट जाएगा, लोग परेशान हो उठे। मोदी जी ही सब करेंगे। दुनिया में हिंदुस्तान की नाक ऊंची करनी है, दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ानी है, दुनिया की कोई शक्ति हिंदुस्तान को डरा ना सके, धमका ना सके, ऐसी ताकत इस देश के हिंदू समाज में खड़ा करनी है। बहुत ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। केवल ये देश इतना करे कि 100% मतदान, मतदान धर्म है, कर्तव्य है। महाभारत में एक गलती हो गई,
कहीं से मोह पैदा हो गया और हस्तिनापुर का राज्य मोह में आकर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जिसने महाभारत का युद्ध करा दिया, हजारों माता बहनों को विधवा बनवा दिया, अपने सब भाई मरवा दिए और हस्तिनापुर का राज्य भी नष्ट करवा दिया। निर्वहन ठीक से जो कर सके ऐसे व्यक्ति का चयन करो, राम जन्मभूमि मंदिर तो बन ही गया, बन ही गया। बदायूं में खनन पर बड़ी कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ अचानक बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने अवैध बालू से लदे 8 ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि बदायूं में अवैध खनन की शिकायतें लंबे समय से जिला प्रशासन से की जा रही थीं। इसके बाद डीएम बदायूं ने अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए टीम गठित की थी। इसी टीम ने अभियान के तहत छापेमारी कर खनन माफिया पर कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी जिले की तहसील मोहम्मदी के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सपा बसपा और कांग्रेस आतंकवाद को पनाह व संरक्षण देते हैं। सपा की सरकार में आतंकवादी राम जन्मभूमि पर हमला करते थे। लोग सपा बसपा के झंडे को गुंडों वाला झंडा बताते हैं। राम जन्मभूमि पर सपा का झंडा लेकर आतंकी गए थे। आइए आपको सुनाते हैं योगी ने क्या कहा। एक तरफ सपा बसपा और कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें, इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं, इनका प्रदेश और देश के विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं, गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, केवल एक ही नारा है इनका और वह नारा है पार्टी नहीं रह गई, परिवारवादी पार्टी हो गई और बहुजन समाजवादी पार्टी भी बहुजन की पार्टी नहीं थी, वह भी अब बुआ भतीजे की पार्टी हो गई। कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, ये रोक लियो शुक्ला पाली, शुक्ला पाली रोक लियो, राम जन्मभूमि और काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था। मोदी जी फिर से बने तो कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ने वाला वोट होगा। इसलिए आप सबसे अपील, श्रीमती रेखा वर्मा जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करते हुए, आप सब मेरे साथ बोलेंगे खास खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए जनप्रभात के साथ। नमस्कार।